ऑलराइट ही गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू हाउ टू एडिट चैनल। फाइनली मैंने अपने चैनल का नाम दे दिया है और ये परमानेंट रहेगा। और हर बंदे के लिए, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आपने पेड ट्यूटोरियल क्यों ना देखा हो, चाहे वो पैसे में है, अगर आपको उसकी फ़ोटो भी मिलती है आफ्टर एंड बिफोर की, मुझे इंस्टाग्राम पर आप वो DM कर दें बस। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए, आप किसी भी एडिटर को आप पैसे पे ना करें उनके कोर्सेज ये सब फलाना वलाना चीज़ों के लिए, अगर आपको चाहिए कि हाँ ये भी एडिट मैं सीखूं और आप पे पैसे नहीं है यार, सो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होनी चाहिए और कोई वैसा तरीका नहीं होना चाहिए कि आप मेरे थ्रू कहीं ले जाके वो ब्लैक मार्केटिंग करें या ट्यूटोरियल बेचें। तो ये सब पर आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। और मैं चाहता नहीं हूँ कि जो ये ट्यूटोरियल बेचते हैं लोग, तो इनका फ़ायदा हो अब, क्योंकि ये बहुत लूटते हैं हमसे। $500-500 के सारे ट्यूटोरियल्स लेते हैं हमसे, बनाते हैं। चाहे कोई भी बंदा हो, कैसी भी एडिट हो उसकी, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको बिलीफ है कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, तो गो श्योर, आप ज़रूर मेरे को भेजें अपनी प्रॉब्लम्स, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, सो यहाँ ये मैं एडिट कर रहा हूँ पबजी की। पबजी एडिटिंग देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ हो रही है, बस चलती रहेगी अभी। और अगर आपको ऐसे ग्लो ट्यूटोरियल्स चाहिए कि लोग ग्लो देखें, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। सो अभी इसे फिक्स करने के लिए मैं सोच रहा हूँ स्टैम्प टूल ही यूज़ करूँ, लेकिन यहाँ पे बनाने का सही रहेगा। क्योंकि वो ग्रीन फ्रिंजिंग आ रही है, मैंने ये डिसाइड क्यों करा कि ऐसा कि आप सबको मैं सारे ट्यूटोरियल फ्री में बना के दूंगा, ये था मेरा एक पर्पस कि यार मैं भी गया था एडिटर्स पे कि हाँ यार मेरी फ़ोटो एडिट कर दो, तो उन्होंने नहीं करी थी। तो मैं नहीं चाहता यार ये आप फेस करें प्रॉब्लम, क्योंकि एडिट मैंने उतनी सीख ली है जितनी उन्हें आती है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही आती है। वो बंदे बस ऐंठ में रहते हैं अपनी, क्या करें, पैसा कमाना है उन्हें यार। वो आपके वर्क को नहीं देखते हैं, मैं आपके सारे वर्क को देखूंगा इंस्टाग्राम पे। अगर आपको चाहिए कि मैं गाइड करूं आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम लगेगा थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन मेक श्योर ज़रूर करूंगा मैं आपके हर फोटो को रिस्पॉन्ड। मैं अपने चैनल पे सारी चीज़ें रखता हूँ, पेड एक भी चीज़ नहीं है कि आपको पैसा देकर ख़रीदना है। और सारी चीज़ें या तो ये स्टॉक हैं या अनस्प्लैश से ली है, तो उन बंदों का कॉपीराइट का तो सवाल ही नहीं है। नहीं तो बंदे नेट पे पोस्ट डाल के कहते हैं प्लैगरिज्म है, ये है वो है, वो तो उनकी मर्ज़ी है यार। जब बंदा क्रिएट कर रहा है तो थोड़ा कॉपी करेगा ही करेगा, ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहा है तो वेल एंड गुड है यार, लेकिन हेल्प तो हर किसी को चाहिए होती है, और आप उसके ग्रोइंग स्टेज में ही उसको मना कर दोगे तो फिर यार कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ बहुत एडिटर को ये वाली बात बुरी लगेगी मेरी, लेकिन क्या करें, आप तो धंधा कर रहे हो ना, हमें तो लोगों को सिखाना है। और एजुकेशन फ्री होती है, किसी की नहीं होती है। और आज विजय महार की एक मैंने पोस्ट देखी थी जो मैंने रिसेंटली अभी बना रखी है अपनी फ़ोटो, क्या कहते हैं स्पाइडर वाली, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पोस्ट देखी कि शेयर इंस्पायर्ड, तो आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई विजय महार का हाथ नहीं है, बस थंबनेल लगा रखा है मैंने विजय महार का,
वो भी हटा दूंगा, जस्ट थोड़ी सी गेन हो जाए यहाँ पे, लोगों को पता चल जाए हाँ यही ट्यूटोरियल था। अगर इशू आएगा तो मैं ज़रूर हटाऊंगा थंबनेल, फिर अपना लगाऊंगा। हाँ यहाँ क्लिक बेटिंग तो चल ही रही है, क्योंकि यार यूट्यूब में इतने फालतू के बंदे हैं जिन्होंने विजय महार की एडिट का ऐसी की तैसी कर रखी है, और PNG बेचते हैं बस। और फिर जब मांगो तो लिंक पासवर्ड लॉक प्रोटेक्टेड ये वो, तो यार आप सब ये रुपये देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये एडिट कितनी स्मूथ और परफेक्टली ब्लेंड हुई है मेरी फ़ोटो के साथ, और ये डायरेक्ट यार PNG है, कोई इसमें हाई फाई काम नहीं है। ये PNG अगर आपको चाहिए तो ले लेना, PST रहेगी, PST में से आप PNG निकाल सकते हैं, कोई स्पेशली नहीं मांगे मेरे से। सो ये थोड़ी परफेक्ट लग रही है यार, मैं थोड़ी सी इधर से मूव कर देता हूँ। दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब थोड़ा ग्लो करते हैं हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स ग्लो करने के लिए आपको PNG में एक आती है यहाँ पे, नेट से डाउनलोड करें आप ये वाली PNG, लेंस फ्लेयर लिखेंगे ये आ जाएगी, ये टॉप पे आएगी आपकी। और ये कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो आजकल के बंदे कर रहे हैं। अगर आप सब सपोर्ट देंगे तो इन सारे एडिटरों को तो ऐसी लाइन से हटा दिया जाएगा, जो चौड़े होते हैं इतने अपने काम पे और कुछ काम करते नहीं हैं, पैसे लेते हैं मेनली, यार पैसे की बात है। अब काम सिखाओ कोई, तो मुझे बुरी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसे अक्कड़ दिखा के लोगों की चीज़ें नहीं देखते हो, DM में बंदे ने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया हो, तो ये सब रहते हैं। और इस बार यार थोड़ा बिट फ्रस्ट्रेशन रहेगा, अभी ट्यूटोरियल थोड़ा बिट फ्रस्ट्रेशन में ही बना रहा हूँ मैं, और आप सबसे बात करके बना रहा हूँ, वरना ऐसे लाइव एडिट में करके मैं करता ही नहीं कभी किसी से, बाद में मैं ट्यूटोरियल के बाद ही करता हूँ जो होता है, वॉइस ओवर डाल देता हूँ, लेकिन आज ज़रूरत थी। अब यहाँ इस लेंस फ्लेयर को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी दिख रही है, तो मैं चाहता हूँ ये टायर्स पे भी इफेक्ट करे, जो पीछे उनकी चीज़ें हैं, तो आपको दिखाता हूँ कैसे इफेक्ट करेगी। तो पहले तो इसका नाम सही से कर लें क्लियर, क्योंकि यहाँ आपको क्लिकिंग की जगह मिल जाए, ठीक है। ये हो गया अंडरलाइन लेयर, इससे क्या होता है कि ये ब्लैक्स को आपकी जहाँ जो चीज़ पे आप कर रहे हो वो ब्लैक्स में विजिबल नहीं रहेगी, और इधर से करोगे तो वाइट्स पे विजिबल नहीं रहेगी। तो मुझे पता है यहाँ का मोस्टली पार्ट ब्लैक है, तो मुझे ब्लैक से अंडरलाइन लेयर चलाना है, ठीक है। देखें आपने कैसे वो उसमें ब्लेंडिंग हो गई लाइट एकदम से, कि वहाँ से एमिट हो रही है तो वहीं जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा और आप इधर कर देंगे तो एक स्मूथ सा ग्लो आ जाएगा वहाँ पर, देखें। तो देखो आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ मैं दोनों। सो आपने देखा कैसे थोड़ी सी चीज़ से फ़र्क आ गया, और अब इसमें थोड़ा रियलिस्टिक ग्लो लग रहा है लेफ्ट वाले में, राइट वाले में नहीं, अभी नहीं लग रहा। तो इसका भी उपाय है, इसी को कॉपी करें, इसी के ऊपर रखें, लिटिल बिट छोटा कर दें थोड़ा सा बस, और इसे कम कर दें अराउंड 30 बेटर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये नीचे वाला, ये नीचे कहाँ गया, ये वाला अगर बंद कर देता हूँ तो वो कैसा अजीब सा है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा आइडिया, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके Command G, हमेशा शॉर्टकट यूज़ करें आप, तभी फोटोशॉप में जल्दी जल्दी वर्क कर पाएंगे। Command G और Command J एकदम से पेस्टिंग के लिए, और मूविंग के लिए, ग्रुप सिलेक्शन के लिए डायरेक्ट यहीं से ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से जैसे ये देखिए, आप लेयर मूव हो रही है, ग्रुप मूव नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें ग्रुप, तो फिर ग्रुप मूव होगा पूरा, ठीक है, और वापस लेयर पे करें, दैट सिंपल, ठीक है। और यहाँ देखें ये लाइट यहाँ पे भी इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये बढ़िया होती जा रही है। अब बस जस्ट थोड़े से और मॉड करनी है मुझे।
अब लाइटनिंग के ट्यूटोरियल्स बताता हूँ मैं आपको यहाँ से कि लाइट कैसे ब्लेंड इन होती है। लोग ब्लेंड इन कर ही नहीं पाते यार, ये बहुत ही इजी चीज़ है जो आप ब्लेंड इन नहीं कर पा रहे हो। जस्ट यहाँ से हार्ड कोई मैं फालतू के सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं कर रहा आपको दूसरी चीज़ें, बस एक निक कलेक्शन है मेरे पे जो पेड है, लेकिन आप टॉरेंट से कर सकते हैं ठीक है, तो वो भी फ्री में मिल जाएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताता मैं कोई सा भी कि आप कहीं भी अटकें। ये सब ट्यूटोरियल लेके आपको खाऊंगा मैं, पैसे फूकते हैं बंदे। और अब हर रोज ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे यार, और जो भी आपका फ्रेंड हो उसे सपोर्ट करने को बोलें, क्योंकि यार मेरी अर्निंग कुछ निकलती नहीं है, जस्ट व्यूज से ही होती है, तो होली एंड सोली मैं आप लोगों पे भी डिपेंड हूँ। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो यार मैं ट्यूटोरियल बना नहीं पाऊँगा इतने। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंड इन कर रहा हूँ हल्की सी इरेजर इधर से बड़ी करके, ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्लो आ गया है वहां पे। ये देखिए कितना इफेक्ट पड़ा है एक चीज से। इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं और फिर इन दोनों को कर देते हैं ग्रुप, और इनका नाम डाल देते हैं टायर प्लस, और फिर कमांड जे और फिर बी। यहाँ से ग्रुप मूव करना है हमें, ओ सॉरी, लगता नहीं है ये यहाँ पे फिट होना चाहिए, ये यहाँ पे सही नहीं लगेगा, एक ही टायर पे सही है। ठीक है, अब मेन आता है लाइट ब्लेंडिंग करनी है हमें। लाइट ब्लेंडिंग क्या बोलते हैं कि इसका थोड़ा टेक्सचर अलग लग रहा है और मेरे पीछे वाले का अलग है, तो सबसे पहले ना का काम करते हैं हम इनको ग्रुप कर देते हैं और इसको नाम डाल देते हैं कार का, क्योंकि ये तो हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि ये जो ग्रीननेस है ये सब हटे इसमें से, तो इन लेयर का स्टैम्प ये है, इन्हें क्लोज कर देते हैं और डिलीट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जितने आप अपने फोटोशॉप में रखेंगे उतना आपका फोटोशॉप स्लो होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, चलेगा तेज नहीं, रैम ज़्यादा खाएगा, और फोटोशॉप चलाने के लिए कंप्यूटर में कम से कम 12 या 16 GB रैम रखें अपने, बहुत ही स्मूथ चलेगा। कोई आपको बोले 4 8 तो नहीं यार, एक बार है रोना पड़ेगा फिर बाद में, ठीक है। बहुत सारे ऑप्टिमल बैठे हुए हैं बंदे, बताते हैं कुछ कुछ, ठीक है, तो उनका ध्यान नहीं देने का। सर ग्रीनीनेस हटाने के लिए मैं थोड़ा मैजेंटा कलर ऐड कर रहा हूँ बस, और वो भी शेडो में करना है क्योंकि अंधेरा है वो जगह। देखा आपने कैसे इफेक्ट कर गया वहाँ पे। एंड लाइक थोड़ा येलो भी है उसमें, हल्का सा सियान भी ऐड कर देते हैं। सो ऑल दी अराउंड तो सही लग रहा है मुझे, कहीं इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। सॉफ्ट राउंड प्रेशर, फालतू की चीजें हटाओ, अब इसकी शार्पनेस, थोड़ा शार्पनेस कह रहा हूँ मैं, कार की एक्सपोजर में कमी लग रही है थोड़ा, मतलब ब्लैक नहीं है वो ज़्यादा, तो गामा करेक्शन ये करता है सही। ठीक है, तो गामा से आपने करेक्ट कर दिया गामा गामा। अब इनके अंदर से निकाल लो ये दो ग्रुप,
लाइट नाम से बाहर एक्सपोजर के रख दो, फिर वो ब्लैकिनेस हट जाएगा आपका। तब देख सकते हैं आपका टेक्सचर कितने अच्छे ब्लेंड हो रहे हैं आप। अब थोड़ी हमारी फोटो को यहाँ तक क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा वो इतनी दूर कोई देखेगा। स्क्वायर ही कर देते हैं। परफेक्ट लग रही है। अब हमें बनानी है जमीन पे शेडो। ओवरले होती है मेनली, देखा आपने, जैसे 2 मिनट में। और ये कलॉप के ट्यूटोरियल्स होते हैं, ठीक है, और कलॉप भैया आपको कुछ बताते नहीं है। ग्लो का मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो मेरी फ़ोटो क्लिक करता है, इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल्स बना नहीं पाता हूँ ज़्यादा जल्दी और उनके जैसे। और फ़ोटोज़ में भी थोड़े फ्लैश की ज़रूरत होती है, ये सब की ज़रूरत होती है, तो एक थोड़ा हाथ पीछे रहता है हमेशा। तो आप समझ रहे होंगे ये चीज़ों को। देखा, सिंपल सिंपल पेंटिंग, पर एक बीच में ना डार्क स्ट्रोक रखें अपना, कि बीम जो आ रही है वो आ ही रही है, ठीक है। अब कैसे साइडवेज में भी उसे फैला दे। और अब जब आप फिल्टर ब्लर डालेंगे तो यार सब कुछ ब्लेंड इन हो जाएगा। 5 का डालें फिल्टर, और यहाँ बूम चिकी बूम, फिर उसके बाद अंडरलाइन लेयर्स, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार, और ये आपकी फ़ोटो में कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल ब्लेंडिंग आ गई है। नेक्स्ट लेवल जैसे बोलते हैं। अब थोड़ी शेडो बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ शेडो थोड़ी सी कम लग रही है यार, थोड़ी तो होनी चाहिए शेडो। इसके नीचे आए, एक्स ब्रश लें और ओपेसिटी को कर दें आप लिमिट 20 तक, ठीक है। 19 हो गया गलती से, चलता है 19-20 यार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि तो आप ये PNG हमेशा unsplash.com से सर्च करते रहा करें, कि कभी कोई अच्छा सा मिल जाए आपको थीम बैकग्राउंड, तो आप उसे यूज़ कर पाए। देखते हैं ये कैसा वर्कआउट करता है, जैसा मुझे चाहिए वैसा होगा ये। फील्ड ब्लर होता है बोके बनाने के लिए, अगर आपको बोके चाहिए होते हैं कहीं, और जितना अच्छा ब्लर उतने बड़े बोके, ठीक है। देख सकते हैं बोके, तो इतने अच्छे नहीं लग रहे बोके बनाने मेरे को, तो बोके हटा देता हूँ। कुछ साईफाई रखते हैं हम, किन्ने हाथ आया किन्ने हाथ चढ़ा, कई बार कॉपीराइट आ जाए। ये सब भी डाल सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा, फोटो को थोड़ा ओवर बिल्ड करने के लिए।
तो यहाँ अब आप देख सकते हैं मास्क डालें, ब्रश और बड़ा करें ब्रश, यहाँ वर्किंग स्लो इसलिए हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो वाओ, दैट्स लुकिंग नाइस। ये क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट लेवल कर दिए इसमें। चलो कोई नहीं यार, कोई चक्कर नहीं, इसे बता देते हैं। वैसे इतना अच्छा लग नहीं रहा है, बता देते हैं क्योंकि फटी फटी क्वालिटी आ रही है उसकी। भारत का मैप, OMG, ये अच्छा लगेगा, ये श्योर अच्छा लगेगा। पबजी और भारत, OMG, ये तो बहुत तगड़ा आंकड़ा है। वैसे कोरोना वायरस का आंकड़ा था जो आप देख रहे हैं, ये जस्ट मैंने ऐसे डाउनलोड कर रखा था। अगर अब यहाँ सूट हो जाता है तो वेल एंड गुड है यार। और डार्कनेस में करने के लिए तो लाइटर कलर यूज करना होता है। आपको ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं जरूर सिखाऊंगा। अच्छा है, फिर कमांड जे करके सॉफ्ट लाइट पे फिल्टर ब्लर गोजियन ग्लो क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए, लेकिन ग्लो क्रिएट हो नहीं रहा है यहाँ पे। अभी कर देते हैं, सो यहाँ ग्लो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। कितना दिन अच्छा सवाल मन जाना है, बहुत तेरे पत्ते हैं।
सो इसमें ग्लोइंग ग्लोइंग पार्ट्स ये हैं बस, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल मिल नहीं रही है, नहीं तो सेलेक्टिव कलर से पता चल जाता है हमें कहाँ कहाँ पेंट करना है। चलो कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं। कम कार है या दिस वन इज, आपको लाइटेस्ट पार्ट की तरफ जाना है जहां तक आपको ब्लू दिख जाए, और फिर ओपेसिटी को भी बंद कर देना है। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं मैं कैसे धीरे धीरे पेंट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो बन रहा है वहां पे धीरे धीरे, पहली बार है यार इतना लाइट बन रहा है ट्यूटोरियल। और पता नहीं अभी कितने देर का हो गया, 27 मिनट का तो हो चुका है ट्यूटोरियल। वैसे बाय द वे आप ये देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर का क्या क्या है, ठीक है। 2 GHz का प्रोसेसर है i7, कहीं आपको बनवाना हो कंप्यूटर वम्प्यूटर तो मैकबुक तो नहीं लेना यार। हाँ अगर आप बस फोटो फोटो का काम करते हो तो मैकबुक से अच्छा आपके लिए कोई भी नहीं, 2016, 2017, 2018 वाला लें भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है। अमेज हो जाएंगे आप उसकी परफॉर्मेंस देख के, मतलब उतना अच्छा उस जैन में कोई परफॉर्म भी कर सकता है तो मैकबुक। तो ऐसे आप रोटेट भी कर सकते हैं कैनवास को, तो यहाँ का बेसिक रूल कंट्रोल जे कंट्रोल जे, ठीक है। सबसे पहले वाली को अपना करना है ब्लर गॉसियन 30, आंख बंद करके कोई नहीं देखना। फिर दूसरी वाली को करना है अपने ब्लर गॉसियन 10, ठीक है। अब आपका ग्लो आ गया माशाल्लाह, ठीक है। अब इसे करना है अच्छे से ब्लेंड, तो फिर से आ जाए अंडरलाइन लेयर और जस्ट हल्का हल्का सेपरेट कर दें, और ये 40 तक जाए बस मैक्सिमम, और ये आपका बैठ जाएगा इतना प्यारा प्यारा क्या कहूँ अल्टीमेट लेवल का ग्लो। देख सकते हैं आप बग्गी के ऊपर रियली नोटिसेबल होगा वो, देखा आपने।
प्रश्न का देता है, इतना पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसे करने का फायदा नहीं है, मतलब इतना लेकिन बाय चांस कुछ भी हो सकता है। कर देते हैं तब भी। और फिल्टर ब्लर जब आपको ऐसे थोड़ा सा करना हो ना तो 3 का ब्लर डाला करें हमेशा। वो देखिए कितना सॉफ्ट अच्छा सा आ जाए ना, यही होता है बस तरीका। देख सकते हैं वो एज के ऊपर कैसे फिट बैठ रहा है अपने आप। थोड़ा सा बढ़ा दें 42। ठीक है, यहाँ पबजी की तो बग्गी क्रिएट हो गई है। और अब आप डाल के दिखाते हैं अपना नाम कैसे लिखेंगे इसमें अच्छे से। और ये कोई भी अगर क्रिएटर है ना जो कॉपी करेगा, मतलब वीडियो फोटो एडिटर, तो प्लीज़ ज़रूर कॉपी ना करें मेरी फ़ोटो को इस बार, बड़ी मुंह की खाओगे हमारे जैसे बंदों के लिए। तुमने एडिट हम कर रहे थे तो इसने छोड़ा था, और अब माइंड भी कहीं दिमाग बदल जाए उन लोगों का। सो अपना नाम इस पर ब्लर डाल देते हैं थोड़ा। ये तो पूरा ही मिट गया वन डैश परफेक्ट। हाँ यार, हमारी ये पबजी वाली फोटो एडिट हो चुकी है। और आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ, ये था बिफोर और वो है आपके सामने आफ्टर। सो थैंक यू गाइज, इस ट्यूटोरियल को आपने यहाँ देखा और मेरे साथ बने रहे। और मैं बताना चाहूँगा कि आप इस PSD को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। कहीं आप ये सोचें कि रीपोस्ट करूँ इमेज नहीं करूँ, आपको अपना नाम डालना है आप अपना नाम डालें, इंस्पायर्ड टैग नहीं देना है ना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस
आप भी क्रिएटिव रहें और इस दुनिया को और क्रिएटिव बनाएं. थैंक यू गाइस.